गोरखपुर जिले के महंत दिग्विजयनाथ पार्क में आयुष्मान व्यय वंदना योजना कार्ड वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम योगी ने 19 लाभार्थियों को अपने हाथों से व्यय वंदना कार्ड प्रदान किए और उनसे आत्मीय संवाद कर उनका कुशल क्षेम भी जाना। 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए आयोजित कार्ड वितरण समारोह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2017 के पहले आजादी के बाद 70 सालों में प्रदेश में सिर्फ 12 सरकारी मेडिकल कॉलेज थे, जबकि आज डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश के 75 में से 65 जिलों में एक एक मेडिकल कॉलेज की सौगात दे दी है और अकेले इस वर्ष 16 मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए गए। इनमें से 13 सरकारी और 3 PPP मोड पर संचालित होंगे। सीएम योगी ने कहा कि सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसके अलावा सशक्त भारत के निर्माण के लिए स्वस्थ भारत का होना भी जरूरी है। स्वस्थ भारत के लिए हर नागरिक की आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में केंद्र और प्रदेश की सरकार हर एक स्तर पर पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना समेत अन्य योजनाएं, ये सभी स्वस्थ भारत के जरिए सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में बढ़ाए गए कदम हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत की योजना प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2018 में सितंबर 18 में लागू की थी। 2018 में जो योजना लागू हुई यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा की योजना है, जिसमें लाभार्थी को कुछ भी नहीं देना होता है। बस उसका कार्य है वे हर बार जाकर के अपना कार्ड रिन्यूअल करवा ले हर वर्ष। तो हर वर्ष उसे या उसके परिवार के लोग 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य की फ्री की सुविधा किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, जनपद में, प्रदेश में या देश में प्राप्त कर सकते हैं। और यह सुविधा आज देश के अंदर प्राप्त हो रही है, तो गोरखपुर में भी 280 चिकित्सालय इस योजना से आच्छादित हैं, जिनमें 191 हॉस्पिटल सरकारी हैं और शेष निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल हैं जिनमें ये सुविधा कोई भी लाभार्थी उठा सकता है। उस दृष्टि से बुजुर्गों के लिए यह योजना लाभकारी हो, इसके लिए आज व्यापक जन जागरण कार्यक्रम के उद्देश्य से हम लोग गोरखपुर में आए हैं।